साहब जबकि उस समय वो बैरिस्टर बन चुके होते हैं, उस समय की बात है बंधुओं। बाबा साहब जैसे ही होटल के पास में गाड़ी रुकवाते हैं और जैसे ही होटल के नजदीक पहुंचते हैं, जैसे ही नजदीक पहुंचे वहां पे एक छोटा लड़का उस होटल में काम कर रहा था, और जब उस छोटे लड़के को देखा है तो बाबा साहब ने इशारा किया पानी का, और वो लड़का दो गिलास पानी लेके आया। वो लड़का जब दो गिलास पानी लेके जैसे ही बढ़ाए बाबा साहब की तरफ, और बाबा साहब को भी बहुत तेज प्यास लगी थी, गर्मी का मौसम था, जैसे ही आगे बढ़े हैं और वो लड़का जैसे ही गिलास में पानी लेके आगे बढ़ा, उधर वो होटल का मालिक देख लेता है। जैसे ही होटल के मालिक ने देखा है बंधुओं उस लड़के को पानी ले जाते हुए, रोक लिया, बोला अरे लड़के तू ये पानी कहाँ को लिए जा रहा है। वो लड़का बोला कि बाबा साहब आए हैं और वो बहुत प्यासे हैं, इसलिए हम उन्हें पानी पिलाने जा रहे हैं। वो लड़का जैसे इतनी बात कहता है, होटल मालिक खींच के थप्पड़ मार देता है और बोला कि वो रे नादान लड़के, तुझे पता नहीं ये पढ़ लिख के बैरिस्टर तो जरूर बन गया लेकिन है अभी शूद्र। एक शूद्र है, पढ़ लिख के बैरिस्टर बन गया, चार पहिए की गाड़ी से चलने लगा, इससे क्या होता है, इसे क्या हम अपने होटल में अपने गिलास में पानी पिला देंगे। अरे किसी सवर्ण व्यक्ति को पता चल गई ये बात तो वो कभी मेरी होटल में नहीं आएगा, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उस लड़के को थप्पड़ मारा और वो ग्लास कांच के थे नीचे गिर गए, टूट गए। और उधर बाबा साहब ने जब ये बात देखी वो बहुत दुखी हुए और वो फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ लिए और चल देते हैं। तब तक वहीं पर एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था सोनुआ, जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वो देखता है कि बाबा साहब के साथ में ऐसा हुआ, वो मन में विचार करता है कि मेरे बाबा साहब प्यासे हैं, और बाबा साहब जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं वो व्यक्ति दौड़ता हुआ गांव की तरफ जाता है और मटकी में थोड़ा सा पानी लेके आता है। जब तक वो पानी लेके आता है तब तक बाबा साहब वहां से जा चुके होते हैं। वो व्यक्ति वहीं पे बैठ गया, मन में विचार करने लगा कि मेरे बाबा साहब यहाँ से प्यासे चले गए, और रोने लगा वहीं पे बैठ के। फिर उस दिन से उसका रोज का नियम बन गया बंधुओं, रोज का नियम बन गया कि वो मटके में पानी लेके आता और उसी जगह पे बैठा रहता कि मेरे बाबा साहब यहाँ से प्यासे चले गए थे, वो आएंगे तब हम उन्हें पानी पिलाएंगे। लेकिन बाबा साहब दोबारा वापस उस रास्ते पर नहीं आए। 3 महीने बीत गए थे, वो व्यक्ति रोजाना ऐसे ही पानी लेके आता और दिन भर वहीं पे बैठा रहता, शाम के समय घर को जाता। एक व्यक्ति जाता है बाबा साहब को ये बात बताता है, बाबा साहब बहुत दुखी हुए और आए हैं उस होटल के पास में, तो लोगों से पूछा क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति घड़े में पानी लेके बैठता है। लोगों ने बताया हाँ बैठता तो था लेकिन अब नहीं बैठता है, क्योंकि 3 दिन पहले उस व्यक्ति की यहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे मौत हो गई। वो व्यक्ति यहीं पर मर गया, सिर्फ आपका नाम रटता था रोज कि मेरे बाबा साहब यहाँ से प्यासे चले गए, और वो इस बात के लिए व्यक्ति पागल हो गया था और उसने भोजन पानी सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ आपके लिए पानी लेके यहाँ पर बैठता था, और आज 3 दिन हो गए उसकी मृत्यु यहीं पर हुई है। बाबा साहब जब उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो क्या देखा है बंधुओं कि वहीं पर मटकी के टुकड़े फूटे हुए पड़े थे। बाबा साहब ने उन टुकड़ों को अपने हाथों में उठा लिया और रोने लगे कि वारे समाज के नियम, वारे समाज की व्यवस्था, जो आज हमारे समाज के लोग इस पानी के लिए पागल हो रहे हैं और इस पानी के लिए पागल होके मर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस नियम विधान को बदलूंगा और मैं ऐसी व्यवस्था कायम करूंगा जिस पानी के लिए आज हमारा समाज रो रहा है, पागल हो रहा है, एक दिन हमारे समाज के लोग नहीं बल्कि इनके जानवर उस पानी में स्नान करेंगे। और बंधुओं सच भी हुआ, बाबा साहब का वो सपना साकार भी हुआ और बाबा साहब ने आज हम लोगों को अधिकार दिला दिया। और